वेलकम टू डियर सोस्टर। डियर सोस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने माइक की अनबॉक्सिंग करूंगा जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। अभी सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट का, तो मैंने उसमें इसको परचेस कर लिया। और ये जो माइक है बोया बाय M1 मॉडल है। और इससे पहले जो मैं माइक यूज़ करता था वो मेरा बोया बाय M1 मॉडल था जिसको मैं यूज़ करता था। इसकी लॉन्ग वायर की वजह से हमें थोड़ा ब्लॉगिंग में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने इस माइक को परचेस किया है जो कि मेरे फ़ोन में फिट रहेगा। अब मैं इसको अनबॉक्स करूँगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको क्लिक करके बताऊंगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो डिटेल हुआ है मैं इसका एक रिव्यूज वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा। तो मैं इसको अभी अनबॉक्स कर रहा हूं और इसमें देखता हूं क्या क्या चीज़ें मुझे मिल रही हैं। और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। मैं भी एक बिगिनर्स हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी मुझे यूट्यूब में आए थे, तो इसके लिए मैं एक एक चीज़ें सीख के सारी चीज़ें अपने लिए खरीदता हूँ और एक एक करके अपने लिए इकट्ठा करता हूँ। उनमें से जो खास चीज़ें होती हैं कि हमें अपनी वीडियो क्वालिटी फोकस करना होता है और साउंड इफेक्ट पे फोकस करना होता है। इसको मैंने एक बार अनबॉक्स कर दिया था पहले, मैं इसको चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें थी। और अब ये खाने मैं दोबारा से इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो ये मेरी टोटल चीज़ें हैं इसमें। और ये माइक है, माइक के साथ ये विंड सीट है, सील्ड है। और ये इसका माउंट है। और ये दो अलग अलग मुझे कनेक्टर मिले हैं, इसको आप DRS केबल और DRSS केबल करके बोलते हैं ऐसा कुछ। तो ये पाउच है जिसमें ये पैकिंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे इसके साथ मिली। अब इसको हमें जैसे कि फ़ोन वगैरह में स्टक करने के लिए एक माउंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक माउंट होता है जो नॉर्मली प्लेन से होते हैं, एक ये होता है जिसमें हम इसको फंसाएंगे इस तरीके से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा ना यूज करने का प्रोसेस, जैसे कि कुछ लोग होते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज़ करते हैं अलग अलग क्वालिटी के। मैंने पहले गोरिल्ला ट्राइपॉड मंगाया हुआ था, पर मैं उसको बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं उसको हटा के मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसको मोनोपॉड बोलते हैं, ये मोनोपॉड है। और ऐसे फिट करके यहाँ पर हम फिट करेंगे और यहाँ पर हम अपना माइक फिट करेंगे, तो ये इसका प्रोसेस होता है। अभी मुझे जो केबल्स दो मिले हैं, जैसे जो ये केबल है ये फोन्स के लिए है, जिसमें एक 3.5 mm जैक है। और सेकंड ये माइक के लिए है, तो हम यहाँ पे इसको माइक के पीछे लगा कर दूसरा मेरा फ़ोन में जाएगा। अगर हमारा सी टाइप केबल है तो उसमें हम एक कनेक्टर लगा के उसके बाद इसको हम यूज़ कर लेंगे, एलेसबल हो जाएंगे। तो ये सारा हमारा इस चीज़ का प्रोसेस है। अब मैं अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी बोया बाय M1 वाले माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं इसका सेकंड वाले माइक, जो ये करंट वाला मेरा माइक है, इससे मैं आपको एक वीडियो शूट करती। तो माइक को मैंने फाइनली फिट कर दिया। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बोया बाय M1 वाले मॉडल से कर रहा हूँ। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है आपको अभी सुनाई दे रही होगी। इसकी जो कैसी क्वालिटी है आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को कैसा फील हुआ मेरे फर्स्ट माइक से और सेकंड माइक की क्वालिटी से। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, क्योंकि इसको अभी जो परचेस किया है वो फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी थोड़ा जो मेरे बोलने का सीन है वो अटकता है, क्योंकि मैं डायलॉग्स कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए, हमारे लिए उतने सारे थॉट्स कम हो जाते हैं, तो उसके लिए अभी सॉरी कहूँगा। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।